आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंता मीडिया पादरी दी कसक जैसे तकलीफ तांचा से तंता पदुई कि वंदे आ फितोगा खबर सप्तक सरगाव अनुगाची बारी मेंबर ची हमला सोंसे को जख्मी सोंसु छा नंगाची बारी को मेंबर चिंचा सोदा से बारी मेंबर थावा क्यों चन सौ दो छा नंगा ची बार प्रेसिडेंट रियाज अहमद खान साहब चा सामा अधिक मीटिंग आयो करे हुकुम तां से सुख हुकुम ही नाजी नाचा सामा अधिक जमा सौ बारी मेंबर सामा दिया नाचा सामा गाते थुंडेल सौ से सामा चिगडिल सौ से पेरा खची का नाचा लयामल बचासी फैसला सौ गाँव निस्कोरला रियाज साहब जनता यिपसाल चौसे जुचेन नाची प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन करगिली रियाज साहब जनता मुफसल रिचिंग। पहले तो यंतंग मीडिया हजरात ला बहुत बहुत शुक्रिया कि यंतंग इतना शॉर्ट नोटिस का यंतंग अचानक सदी का यूं खचा से यूं जबाना बाकी गुंदा एरा गुंदा यंता जैसे नची एडवोकेट आमिर साहब जनता मुफसल बस सजा शिकंता हिंट चितां से उत्तर कि गुंदिया शाम पुना अब दोबारा ही कर लेते हैं फिर है ना तो जुग जुग बिन बदू दोबारा कर लेते हैं। अच्छा अच्छा लाइव बिन अब थे ना वो बान बसा हाँ अच्छा वो डिलीट कर देना यार लाइव अगर होगा तो ना। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जैसा कि हमारे सीनियर एडवोकेट एडवोकेट आमिर साहब ने आपको इंसिडेंट के रिगार्डिंग एक मुफसल सा एक बात बताया था, जैसे आप सबको बखूबी इलिमत है कल हमारे फिफ्थ एलएजीसी जनरल इलेक्शंस का पोलिंग डे था 4 तारीख को 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को लगभग शाम को 6 बजे एक पूरे मीडिया में करगिल में जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक मीडिया में एक इंसिडेंट के बारे में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में कुछ कई चीज़ें वायरल हो रही थी, तो जिनमें से हमारे एडवोकेट फटर्निटी का एक एडवोकेट एडवोकेट मोहसिन जिसमें इंजर्ड हुआ था, तो हम भी पहुँचे थे शाम को, हम उनका हॉस्पिटल जैसे चिकतन में इंसिडेंट हुआ तो चिकतन से पहले उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल रेफ़र किया गया, तो हम खुद वहाँ पे पहुँचे थे एडवोकेट मोहसिन का हाल देखने के लिए हाल चाल देखने के लिए। तो बहुत ग्रीवियस इंजरी था, हेड इंजरी था उनको, लगभग 8-10 सिर पे टांके लगे हुए थे, तो जो इंजरी का नेचर देखते हुए यहाँ के हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से श्रीनगर उनको रिफ़र करा है। हम इस पूरे इंसिडेंट का मजम्मत करते हैं, ये पूरा इंसिडेंट ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना पुख्ता इंतजाम किए थे उन पर हमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे इंतजाम थे पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन बहरहाल कुछ अनासर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स निकल के कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसकी वजह से पूरी डिस्ट्रिक्ट करगिल को पूरे हिंदुस्तान के सामने शर्मसार होना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर प्रोसेस होता है, वोटिंग सबका अपना अपना राइट होता है, इसको एक्सरसाइज करने में मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का हादसे पेश आना चाहिए था। खैर हम उस हादसे का पुरजोर मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ आपके थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, खासकर जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लद्दाख पुलिस पे, हम लद्दाख पुलिस से हम ये अपील करते हैं और स्पेशली अपील करते हैं कि इस इंसिडेंट का फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द इसका आउटकम आए और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन जो भी कल्प्रिट होगा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए,
क्योंकि ये सिर्फ एक एडवोकेट पे हमला नहीं है, ये हमारे बार एसोसिएशन के हमारे फ्रेटर्निटी पे हमला है। जैसे आप लोगों को बखूबी पता है, अगर कहीं भी कोई नाइंसाफ़ी कोई इनजस्टिस होता है तो हर कोई बोलता है कि हम कोर्ट जाएंगे, हम किसी वकील से बात करेंगे। तो हमारा प्रोफेशन ही यही है, अगर हम हमारे हमारे ही प्रोफेशन के हमारे ही फ्रेटर्निटी के मेंबर पे अगर कोई इस तरह से हमला हो जाए तो ये बहुत दुख की बात है और बहुत सीरियस बात है। अगर जो भी कल्प्रिट है उनमें इतनी समझ ना हो कि एडवोकेट्स पे अगर इस तरह से हमला हो तो उस चीज़ का हम मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अथॉरिटीज से कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और फ्री एंड फेयर इस पर इन्वेस्टिगेशन करके जितना जल्दी हो सके इसका इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया जाए। जी शुक्रिया। सर अभी हमारा हम इस केस को हम लीगली भी हम इस केस को हम परस्यू करेंगे। जैसे हमारे एक एडवोकेट्स को हमने आपने बताया कि आपको पहले बताया कि एक एडवोकेट को हमारा बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुआ है, ग्रीवियस इंजरी है, जो पुलिस अपना काम करेगी और हमें भरोसा है पुलिस पे और हमें पूरी तरह उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन पे और लद्दाख पुलिस पे कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उनका इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा और बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन का हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है लद्दाख पुलिस पे। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ यहाँ से कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमें भरोसा है, उसी उम्मीद पे हम आप लोगों से लद्दाख पुलिस से अपील करते हैं आप लोगों के थ्रू कि जो हमारा भरोसा है इंशाल्लाह वो भरोसा कायम रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।